हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि रियलमी C35 फ़ोन में आप लोग फास्ट चार्जिंग कैसे कर सकते हो। अगर आपके पास एक रियलमी C35 फ़ोन है उसमें जो है आप लोगों को फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप लोग अपने फ़ोन में फास्ट चार्जिंग कैसे कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फास्ट चार्जिंग करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले जो आप लोग एक ट्रिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने फ़ोन को पावर ऑफ करके फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा टिप्स है गाइस, तो इसको मैंने पर्सनली यूज़ किया था गाइस। मैंने जो है पावर ऑफ करके एक बार चार्ज में लगा के देखा था और ऑन करके भी चार्ज में लगा के देखा था, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग पावर ऑफ़ करके चार्ज में लगाओगे तो आपके फ़ोन में फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा। आपका फ़ोन जो है थोड़ा ज़्यादा फास्ट चार्ज होगा। तो अगर आप लोगों को फास्ट चार्ज करना है तो अपने फ़ोन को जो है पावर ऑफ़ कर लीजिए। ऑफ़ करने के बाद अपने फ़ोन को चार्ज में लगा दीजिए, आपके फ़ोन में फास्ट चार्जिंग होने लग जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो गाइस, उसके बाद यहाँ पर से आप लोगों को ऊपर से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस एरोप्लेन मोड का, तो इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद अपने फ़ोन को जो है चार्ज में लगा दीजिए। ये फ्लाइट मोड ऑन करने से भी आपका जो फास्ट चार्जिंग है वो देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोगों को फास्ट चार्जिंग करना है तो यहाँ पर से एरोप्लेन मोड को ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद आपके फ़ोन में फास्ट चार्जिंग हो जाएगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर एरोप्लेन मोड ऑन होने से आपका जो भी नेटवर्क कनेक्शन है वो एकदम डिसकनेक्ट हो जाता है और आपके फ़ोन में फास्ट चार्जिंग होने लग जाता है। तो ऐसे करके भी अपने फ़ोन को फास्ट चार्जिंग कर सकते हो। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो गाइस, उसके बाद अगर आपके फ़ोन में बैकग्राउंड में बहुत सारे एप्लीकेशन रन हो रहे हैं तो आप लोगों को फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को फास्ट चार्जिंग करना है तो बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन रन है सबको यहाँ पर से क्लियर कर देना है, मतलब हटा देना है। तो नीचे क्लियर ऑल का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही सभी एप्लीकेशन यहाँ पर से क्लियर हो जाएंगे, हट जाएंगे और आपके फ़ोन में जो है फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो गाइस, अगर फिर भी आपके फ़ोन में फास्ट चार्जिंग नहीं हो रहा है तो आप लोगों को यहाँ पर से प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ देख सकते हैं गाइस एक जीमेल प्रोफाइल देखने को मिलेगा आप लोगों को, तो इस जीमेल प्रोफाइल पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को क्या करना है, इस सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस सेकेंड वाला ऑप्शन नेटवर्क प्रेफरेंसेस लिखा हुआ है, तो इस नेटवर्क प्रेफरेंसेस पे जो है आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर तीन ऑप्शन आएंगे गाइस, और यहाँ पर से बीच वाला ऑप्शन आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, ऑटो अपडेट ऐप्स लिखा हुआ है, तो इस ऑटो अपडेट ऐप्स पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही फिर से यहाँ पर तीन ऑप्शन आएंगे गाइस, तो अगर आपके फ़ोन में जो है ऊपर के इन दो ऑप्शन पर सेट है जैसे कि ओवर एनी नेटवर्क्स और ओवर वाईफाई ओनली, तो क्या होगा गाइस, आपके फ़ोन में अगर डाटा ऑन होगा तो ऑटोमेटिकली जो है बैकग्राउंड में एप्लीकेशन अपडेट होते रहेंगे, तब भी जो है आप लोगों के फ़ोन में फास्ट चार्जिंग नहीं होगा। तो आप लोगों को जो है इस ऑप्शन को ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के लिए एकदम लास्ट वाला ऑप्शन देख सकते हैं गाइस, डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद डन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, डन पे क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही आपके फ़ोन में जो ये फीचर्स ऑफ हो जाएगा और आपके फ़ोन में फास्ट चार्जिंग होने लग जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो गाइस, अगर आपके बैकग्राउंड में जो है फोर्सफुली कोई एप्लीकेशन रन हो रहा है, यहाँ पर आप लोगों को नोटिफिकेशन आ रहा है कि ये एप्लीकेशन जो है रन हो रहा है बैकग्राउंड में, तो उसको स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर एक ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस ऐप्स के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक सी ऑल ऐप्स का ऑप्शन आएगा गाइस यहाँ पर, तो इस सी ऑल ऐप्स पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन होंगे सब शो हो जाएंगे, तो जो भी एप्लीकेशन आप लोगों का बार बार यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा है कि ये रन हो रहा है, तो उस एप्लीकेशन पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं फोर्स स्टॉप का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस फोर्स स्टॉप पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करते ही वो एप्लीकेशन जो है बैकग्राउंड में रन होना बंद हो जाएगा और आपके फ़ोन में जो है फास्ट चार्जिंग होने लग जाएगा। उसके बाद जो है आप लोग अपने चार्जर को चेक कर सकते हो, अगर आपका चार्जर जो है ख़राब हो चुका है तब भी जो है आप लोगों के फ़ोन में स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा, तो चार्जर को आप लोगों को अच्छी तरीके से चेक कर लेना, अगर ख़राब हो गया है तो चेंज करवा लीजिए। उसके बाद आप लोग अपने चार्जिंग पिन को चेक कर लीजिए गाइस, अगर आपके चार्जिंग पिन में गंदगी लगा होगा या जंग लग गया होगा सर चार्जिंग पिन में, तब भी जो है आप लोगों को स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, मतलब आपके फ़ोन में फास्ट चार्जिंग नहीं होगा।
तो आप लोग चार्जिंग पिन को सर्विस सेंटर में चेंज करवा सकते हैं। चेंज करवाने के बाद आपका जो ये प्रॉब्लम है वो ज़रूर से सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने रियलमी C35 फ़ोन में फास्ट चार्जिंग कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।